नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण से 183 देश के साथ भारत भी इसकी चपेट में। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 7,335 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वही 236 लोग कोरोना वायरस के कारण अपने जान गंवा चुके हैं। भारत में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 23 मार्च को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का आदेश जारी किया था, जिसके कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे वक्त में मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस कड़ी में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा भी राज्य के विभिन्न जिलों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। बिहार के बेगूसराय जिले में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मुंगेर प्रमंडल प्रभारी सूर्या स्वर्णकार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर राहत सामग्री एवं मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया। बिहार के सहरसा जिले में भी बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक मणि पासवान के नेतृत्व में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सहयोग से जिले के नोहट्टा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। साथ ही बहुजन क्रांति मोर्चा पूर्णिया जिला संयोजक अजय भारती एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष किरण राज यादव के नेतृत्व में पूर्णिया के सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच पकी हुई भोजन का वितरण किया गया, साथ ही मास्क एवं साबुन का भी वितरण किया गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार शाह ने बताया कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न जिलों में राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। हर संभव गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच पके हुए भोजन पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लॉकडाउन में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 1,00,000 रुपए की सहयोग राशि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वमन मेश्राम साहब को दिया गया। आप देख रहे हैं कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में गरीब बस्तियों में ऐसे लोगों के बीच मास्क साबुन और सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। इस कोरोना जैसे संकट महामारी के दरमियान भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा 1,00,000 रुपया की मदद दिया गया है अमन मेश्राम को, जो भूखे हैं उनके लिए अन्न के लिए बामसेफ के द्वारा विभिन्न जगहों पर बिहार से बाहर भारत के विभिन्न राज्यों में सहयोग किया जा रहा है। साथियों, ये अपील है, आप अभी भी और जहाँ लोग भूखे हैं उनको अन्न दें, यही मेरा आशा है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एपी फ्रेंड्स क्लब। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एपी फ्रेंड्स क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।